पानी को। अर्ली गन फाइट्स की बात है, यहाँ पे दो टीमें यासनिया पोलाना में है और ऑलरेडी रेड डॉट ने यहाँ पे पहला किल निकाल दिया आज के स्क्रिम्स का, एंड आई थिंक यू नो नॉक किया था, फिनिश भी यहाँ पे कर दिया, तो दैट इज अ रियली ग्रेट थिंग। बट अगर आप यूपी 50 की बात करें, शुरुआत उनकी अच्छी नहीं हुई। उधर जोनाथन की तरफ हम फटाफट से नजर डालना चाहेंगे, ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। इस प्लेयर को रोकना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, और जब उतरते ही आपके पास वेपन्स आ जाए उसके बाद तो जोनाथन एक अलग लेवल में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जो आई थिंक यहाँ पे निंजा को भी टेक डाउन कर देंगे, सो काफी अच्छी शुरुआत हुई है। जोनाथन खुद भी यहाँ पे थोड़ा नॉक हो चुके हैं। पुवाली इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एंड आई वुड टाइम मिल गया, हल्को रिकवर करेंगे पूरा, और उसके बाद ये सिलसिला मेरे हिसाब से थोड़ा और लंबा चलने वाला है। टीम टाइम ले रहे क्योंकि पता है गलती एक भी करेंगे तो आप पछतावा करने का कोई फायदा मिलेगा नहीं। वहीं मुझे लग रहा है यहां पे इटली को स्पॉट एक ही साथ स्प्रे, और अभी तक उन्हें पता नहीं चल पाया। एंड सबसे बड़ी बात, नॉक तो किया ही, फिनिश ऑफ भी ऑन टाइम कर देते हैं, ये दर्शाता हुआ कि कमबैक करने का बिल्कुल मौका नहीं देना चाहते टीम क्लाइंट को। देखिए स्क्रिम्स जरूर हम खेल रहे हैं, प्रैक्टिस जरूर हम कर रहे हैं, बट कर किसके लिए रहे हैं, टूर्नामेंट्स के लिए कर रहे हैं ना, और टूर्नामेंट्स में आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलता। अगर आपको नॉक किया फिनिश करा जाएगा, जो यहां पे करा जा रहा है, दो प्लेयर्स नॉक करे फिनिश करे, एंड टीम गॉड लाइक, दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अभी बात करें, इट्स अ 2v4 सिचुएशन, थोड़ा सा मुश्किल यहां पे जरूर होगा। रयत ने एक्सपेन को भी यहां पे नॉक कर दिया। विलियम्स इज गोइंग टू बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग, नहीं होगा पोजीशन की रिवील, ये प्रोन करके रखे हुए ताकि फुट से यहां पे ना जान पाए। यहां पे एंट्री स्प्रे ट्राई करेंगे, एक नॉक करेंगे, स्विच की बारी देगा, एंड फिनिश ऑफ में चाहूंगा यहां पे किया जाए, एंड बिल्कुल से किया जाएगा क्योंकि वही स्ट्रैटेजी यहां पे कर रहे हैं, इसके बाद अलाउ नहीं करेंगे। एंड टीम ब्लाइंड सारी टीम रहेगी जो कि इस लॉबी को अलविदा करेंगे। यहां पे जोनाथन मिड रेंज में थोड़ा सा यहां पे चैलेंज काफी अच्छी तरीके से यहां पे ओपनिंग निकाल चुके मिड रेंज, एंड स्लैमिंग भी कर देंगे क्योंकि ये एग्रेसिव, इनको आप मौका दोगे तो ये माने के लिए एक नॉक करते के साथ ही स्लैमिंग यहां पे कर दिया गया, ये कहने के दर्शाता हुआ कि किल्स के लिए आज भी जाने का पूरा पूरा इरादा है। देखिए फिर से वही चीज यहाँ पे, बात जो हम पहले कर रहे थे कि टीएसएम को कोई टीम मिलती है वो रश करते हैं, नॉक किया रश किया, जी गॉड यहाँ पे आई थिंक गोस्टी को नॉकआउट कर चुके हैं एक नेड की तरफ से, यू नो कवर फायर में भी नेड्स थोड़े से आ रहे हैं, थोड़ा संभलना पड़ेगा यहाँ पे। बट जोनाथन एक शानदार नेड, एक और नॉक, दे आर गोइंग टू रश इन, उनका भी एक प्लेयर मेरे ख्याल से यहाँ पे नॉक हो चुका है, बट वो थोड़ी सी दूरी पे है, उनको कैसे हील करेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। क्लच गॉड, लेकिन एक अच्छी चीज उनके लिए भी है कि वो थोड़ा सा कवर में है, आराम से उनके प्लेयर्स खत्म कर सकते हैं अपने ओपोनेंट्स को और फिर हील करने आ सकते हैं। न्यू अब आगे बढ़ रहे हैं, जोनाथन दोबारा से नेट्स का यूज करते हुए आपको नजर आ जाएंगे, क्या यहाँ पे किल कर पाएंगे और सबसे बड़ी चुनौती क्या बचा पाएंगे। एक और नॉक, डॉन यहाँ पे नॉक करते हुए आपको नजर आ जाएंगे जी गॉड को, बट आखिरी प्लेयर स्टैंडिंग, जोनाथन रश करने की कोशिश, ओ माय गॉड, पाव किलो आते हैं और जोनाथन को बैक स्टैप करते हुए आपको नजर आएंगे। बिल्कुल यहाँ पे ग्रेनेड के साथ वंस अगेन यहाँ पे वो नॉक पे बोल सकते हैं, अभी अभी इनको वंस अगेन ऑन फीट किया गया था लेकिन अलाउ नहीं कर रहे। ग्रेनेड एक आध और आ जाए कुछ इस तरीके से, जिस बात का डर था वही हुआ। यहाँ पे फ्रैग को भी कुछ बात से बात कर देते, सेंचर को भी यहाँ पे डाउन करते, प्लस यहाँ पे मॉली भी आ जाती है, ये दर्शाता हुआ कि यूटिलिटी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। फिलहाल आप ये वीडियो देख लो, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ ही आईई के मेंबर यहाँ पे बैक स्टैप करना चाह रहे थे टीम इनसेन को, लेकिन उसका भी काउंटर यहाँ पे आती की तरफ से आता है के पीछे रेड आउल के मेंबर वंस अगेन यहां पे फाइट की तरफ अपने आप को लेके जा रहे, दर्शाते हुए कि आप इन्हें मौका ना दो वरना ये बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे आपको सरवाइव करने के, क्योंकि 420 वन ऑफ द फाइनेस्ट असॉल्टर यहां पे बोल रहे हैं अनफिक्सिंग के साथ यहां पे पर्सन फाइनली एम पॉट को डाउन कर लेंगे। अब यहां पे डिसाइडर हो चुका है कि R2C को संभालने नहीं दिया जाएगा, एंड ये डिसाइडर ग्रेनेड एग्जैक्टली यहां पे ये डिसाइडर ग्रेनेड, एंड कहां से ये ग्रेनेड यहां पे थ्रो किया गया, बिल्कुल एक अच्छे मिड रेंज का फासला रहा, फंस सकते हैं सांगवान, जाने जाते हैं प्रोन होने के लिए, और प्रोन होते होते धीरे धीरे काफी आगे आ चुके हैं। उधर जोनाथन, व्हाट इज हैपनिंग, आई थिंक गाड़ी ब्लास्ट में मयूर को टेक डाउन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे मिड रेंज से इनफैक्ट यहाँ पे लुक एट दैट, जिस तरीके से सपोर्ट का रोल अदा करें, ये दर्शाते हुए कि जब आपके पास जोनाथन इज ऐसा सपोर्टर है तो आपके लिए काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। न्यू कमिंग मैन वहां पे नॉकआउट किया गया, क्लच शॉट भी वहां पे जरूर करेंगे। जोनाथन इस बात को समझ चुके हैं कि अब यहाँ पे सपोर्टर की आवश्यकता नहीं है, एक अच्छी यहाँ पे स्लैम के साथ अपनी टीममेट को सपोर्ट देते हुए देखने को मिलेंगे। क्लच शॉट की बात की जाए तो कुछ अच्छे हाई ग्राउंड एडवांटेज के साथ चल रहे, लेकिन बात रहेगी रिवाइवल वो यहाँ से मुश्किल होगा। मीनवाइल फियर्स वंस अगेन यहाँ पे 100cc के वेमस को थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम, हल्की की जर्नी यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए क्लच गॉड वहां पे थोड़ा सा ओपन में गए, वहां पे बहुत सारे एंगल थे, बहुत सारी विंडोज थी देखने के लिए, एंड इसी वजह से नॉक होते हुए आपको नजर आए। बट अब इनसेन बिल्कुल यहाँ पे रुकने नहीं वाला है, अटैक करते नजर आएंगे। जोनाथन
इज इन डीप डीप ट्रबल. मोलोटोव यहाँ पे आएगी एंड मैं देखना चाहूंगा क्या बच सकते हैं पीछे जाने की कोशिश. नेट भी यहाँ पे आते हुए क्या नॉक कर पाएंगे. बिल्कुल उनका स्प्रे यहाँ पे स्प्रे आता हुआ गोब्लिन को नॉक करेंगे. क्या जोनाथन 1v3 यहाँ पे कर पाएंगे. तीन प्लेयर अभी भी दो प्लेयर उनके सामने बट आदि आते हुए नॉक करेंगे जोनाथन को एंड द जी गॉड वुड बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग. क्या जोनाथन को रिवाइव कर सकते हैं. क्या स्मोक करेंगे यहाँ पे. हील जरूर कर रहे हैं, पेन किलर जरूर ले रहे हैं बट सामने इनसेन के प्लेयर्स भी एक दूसरे को हील करते हैं और बैक स्टैप. मिनी मैप एक और टीम यहाँ पे आती हुई आपको नजर आ जाएगी. अब यहाँ पे बात करें तो आई जील के मेंबर का स्लैम आ चुका है. जोनाथन को अगर यहाँ पे रिवाइव दे पा रहे हो तो काफी अच्छा हो सकता था लेकिन बैक से इतनी डेंजरस स्लैम कर दिया जाए. बैक से बहुत ज्यादा यहाँ पे मुश्किलों में डाला टीएसएम. इनसेन पोजीशन काफी अच्छी है, जोन का काफी अच्छा एडवांटेज है. यहाँ पे बिल्कुल भी कोई डैमेज नहीं होना चाहेगा उनके प्लेयर्स किसी भी अपने टीममेट को. हमें बात करें सेम टीम भी आती है इसके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल आ चुके हैं. मानो एक सेकंड पहले ये पूरी स्क्वाड थी एंड अब जाके यहाँ पे मात्र दो प्लेयर्स बचे हुए हैं. इन दो प्लेयर्स के लिए भी यहाँ पे बात करें ना तो अलाउ नहीं किया जाएगा क्योंकि इनके सामने आ चुके टीम है. एक देखते ही देखते यहाँ पे 9 फिनिश पॉइंट निकाल चुके हैं और जिस तरीके से यहाँ पे डोमिनेशन का चल रहा है कुछ अलग लेवल पर. टावर को फिलहाल यहाँ पे डाउन किया गया. थर्ड पार्टी एट द सेम टाइम इनसेन की तरफ से उसके तरफ भी जाते हैं और उसका जवाब दिया जाता है. इनसेन के मेंबर्स को यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल में डाला जा चुका है. एंड ऑफ फिनिश भी किया जाएगा. जस्ट लुक एट दैट कि यहाँ पे एक अपर ग्राउंड एडवांटेज था उसके बावजूद भी वहां पे जाते हैं और साथ ही डाउन भी करते हैं और फिनिश ऑफ भी करते हैं. ओपन में है बट स्मोक का सहारा उनको मिलता हुआ. एक्सपीरियंस दोनों दिखने वाली बात रहेगी कि कौन सी टीम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. आगे नो टेट को यहाँ पे डाउन किया गया. ओपनिंग जो बात की जाए तो ऑलरेडी निकाला जा चुका है लेकिन इस सेकंड की बात करें तो टेट को इस बात से बात किया गया. सो बात की जाए कि साथ में उनका एंट्री हुआ डाउन करेंगे यहाँ पे मुश्किल हुआ. काफी ज्यादा क्लोज एक्सपीरियंस दोनों दिखने वाली बात रहेगी कि कौन सी टीम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. आगे नो टेट को यहाँ पे डाउन किया गया. ओपनिंग जो बात की जाए तो ऑलरेडी निकाला जा चुका है लेकिन इस सेकंड की बात करें तो टेट को इस मैच से बात किया गया. सो बात की जाए जी के साथ में उनका एंट्री हुआ डाउन करेंगे यहाँ पे मुश्किल हुआ. पूरी एमो का इस्तेमाल करते हुए फेयर्स को इस मैच से बाहर कर देते. कमबैक करने का बिल्कुल मौका नहीं दिया इस हिसाब से टीम ब्लाइंड को. देखिए पहला यहाँ पे किल निकाल चुके हैं जिसका एडवांटेज उनके पास है. अब नंबर्स गेम है. 4v3 सिचुएशन. क्या जीत हासिल कर पाएगी टीम ब्लाइंड यही देखना बाकी है. पेन ने यहाँ पे एक नेट का यूज किया, थोड़ा सा 20 डैमेज जरूर दिया बट उसके बाद एस पावर यहाँ पे एस ओबे के शेडो को ले जा चुके हैं. बट विलियम्स का नेड लेके जाएगा आई थिंक ईजी के 47 को. एंड इसके बाद इट्स अ 2v4 सिचुएशन जो यहाँ पे रैयद ने थोड़ा सा यू नो रिटेलिएट किया. एक नॉक यहाँ पे जरूर निकाला बट उसके साथ कवर फायर आता हुआ. लास्ट मैन स्टैंडिंग इट्स गोइंग टू बी स्मोकी. क्या स्मोकी एक 1v3 यहाँ पे कर पाएंगे बट अटैक हुआ उनके ऊपर. एक एचपी के साथ है, फर्स्ट एड का यूज कर रहे हैं. कहने के प्रेशर बढ़ाते ही चले जाएंगे टीम ब्लाइंड. देखते किस तरीके से बच पाएंगे फिलहाल टीम स्मोकी के. स्मोकी ओपी. देखिए काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैचअप आ चुका है. चारों तरफ से उनको घेरने की कोशिश की जा रही है. प्लेयर्स की पोजीशन यहाँ पे रिवील हो चुकी है. दो प्लेयर बिल्कुल सामने शॉट रहने की कोशिश बट स्मोकी कोशिश जरूर करी बट एक खत्म नहीं हुआ है. पहले यू नो टीम स्मोकी को हराया, फिर फोर किंग को हराया. अब एक और टीम आ चुकी है और दूसरी तरफ जोनाथन थोड़ा सा बैकफुट पे जा चुके हैं. यहाँ पे स्प्रे देने की कोशिश. एक और प्लेयर बिल्कुल वहां पे नॉक हो जाएंगे उनके सामने बट क्लच गॉड आएंगे, बचाएंगे अपने प्लेयर को और टीम इनसेन को बैकफुट पे डालेंगे. बिल्कुल यहाँ पे सही टाइम पे ये एंट्री आई. एंड सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जोनाथन को वन सेकंड यहाँ पे रिवाइव दिया जा रहा है. ये काफी अच्छी बात है कि अपने मैन एडवांटेज को यहाँ पे गवाना बिल्कुल से भी नहीं चाहेंगे एनजीटी के मेंबर्स क्योंकि पता है यहाँ पे ओके यहाँ पे कुछ फिनिश पॉइंट है उसको भी पिक करेंगे. ज्यादा लीड किया नहीं जाएगा. ग्रेनेड के साथ वन सेकंड यहाँ पे जोनाथन को डाउन किया जाता है. साथ ही साथ न्यू का एलिमिनेशन इस मैच के साथ. स्मोक्स का यहाँ पे क्रिएशन. जब भी आपको लगे सिचुएशन आपके हाथ से थोड़ा सा निकल रहा है तो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन स्मोक्स का आप अच्छे तरीके से क्रिएशन किया जाए बिल्कुल से वो देखने को मिल रहा है. जोनाथन की ब्लीड आउट हो रही. जी गॉड यहाँ पे बात करें तो बैक साइड से कोई अच्छी सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेगा. क्लच गॉड यहाँ पे ट्राई करें एंड पानी करें क्योंकि बात करें मिलेगा. न्यू की बात की जाए पे काफी ज्यादा डैमेज एंड उसके बावजूद जो क्राउच स्प्रे रहा वो यहाँ पे महम रोल अदा किया क्लच गॉड की है. सबसे इंपॉर्टेंट बात जोनाथन को वन सेकेंड ऑन फीट करे बट सामने से इनसेन के गॉब्लिन एंट्री ले रहे हैं. आप ये एंट्री कितना मुश्किल यहाँ पे डाल सकते हैं बात की जाए तो क्लच पर फाइनली यहाँ पे इंटर लेंगे. एंड क्या क्लच कर रहे हैं. नो यहाँ पे फाइनली नॉक आउट कर दिया गया. जी गॉड की बात की जाए तो वहां पे रोल अदा करना पड़ेगा. जोनाथन अपने एचपी को यहाँ पे रिकवर कर रहे हैं. ये काफी अच्छा डैमेज दिया. इवन तो वहां पे किल नहीं निकला. स्कालल के साथ स्प्रे देने की कोशिश. दोबारा से थोड़ा सा चिप डैमेज जरूर वहां पे पहुंचाया है. हल्का सा पीक करें यू नो आप स्ट्रेटेजी की बात करें टेक्निक की बात करें हल्का सा पीक करते हैं थोड़ा सा डैमेज देते हैं वापस कवर में चले जाते हैं. दोबारा से वही चीज को रिपीट कर रहे हैं और मेरे ख्याल से इस बार तो विंडोज भी चेंज करते नजर आएंगे. बट यहाँ पे न्यूटन उनके पास एक कार 98 है एंड दैट्स हाउ यू डू इट.
कार 98 के साथ एक कमाल का शॉट और ज़िगोट हुआ, एंड आई थिंक रिवाइवल से ज्यादा अगर वो फाइट लेते तो उनके बचने के चांसेस और उनके जीतने के चांसेस, सर्वाइव करने के चांसेस वो ज्यादा बन सकते थे। M249 के साथ बात कीजिए तो हर सब जिधर भी स्विच कर ले वहां पे फाइट चल रही है। आज की बात किया तो जेट और प्लग यहां पे 100 के मेंबर्स के आगे जा चुके हैं। मॉर्टल यहां पे बात किया तो अपने पी2 काफी ज्यादा वहां पे डैमेज उनको किया गया, बच गए वहां पे वरना मुश्किल में आ सकते हैं। M4 के साथ बात कीजिए तो M249 ये क्या कर बैठे यहां पे, गन की आवश्यकता थी इतने ज्यादा क्लोज में यहां पे स्मोक पे तरफ जाना, ये कहने के गलत डिसीजन रहा है डॉट का, और इसका परिणाम मिलेगा। फी बात बैक से आते हैं, सपोर्ट का एक अच्छा रोल अदा करते हैं, लेकिन टीम एक्सो को यहाँ से आप पीछे धकेला मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, एंड वही हुआ यहाँ पे। इमॉर्टल बात की जाए तो लॉन्ग रेंज के फिलहाल यहाँ पे डोमिनेशन बिल्कुल बरकरार देखने को मिलता, डैमेज को थोड़ा कम कर सकते हैं बिल्कुल। इस बात का उदाहरण रेड आउट के तहत से भी दोनों को मैच बात करेंगे, मॉर्टल फाइनली स्पॉटेड कर लेंगे एलक्राफ्ट के मयंक सर्कल के कुछ यहाँ पे कॉर्नर साइड से स्प्रे करते हैं सेंस से, इमॉर्टल दोनों को यहाँ पे टेक डाउन कर दिया गया, टर्निंग पॉइंट साबित होता हुआ यहाँ पे, एंड 1v3 कर देते हैं ये थोड़ा सा बोल सकते हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मोड पे ये लेके चला गया एलक्राफ्ट के मयंक, व्हाट अ परफॉर्मेंस। एंड लास्ट टू लास्ट जो नंबर्स की बात कर रहे थे, IE इनिशिएटिव ई स्पोर्ट्स रैंक